आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह ने पत्रकार वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि आयोग के दिशा निर्देशों का पालन न करने व आदेशों की अवहेलना करने वाले गोरखपुर मंडल के 200 से अधिक जनसूचना अधिकारियों के ऊपर दंड आरोपित किए गए हैं। इन पर आरोप है कि उन्होंने समय से सूचना नहीं दी, वहीं आयोग के आदेशों का भी पूरी तरह से पालन नहीं किया। जिसकी ओर से RTI लगाई जा रही है उसकी सूचना जो इनके यहाँ धारित है उस सूचना को अवश्य दें ताकि लोकहित सिद्ध हो और प्रशासन में सिस्टम में पारदर्शिता आए। दूसरा, लोगों को कितने अधिकारी होंगे ऐसे जो सूचना नहीं दे रहे हैं? देखिए जो मेरे पास अभी जो गोरखपुर मंडल ट्रांसफ़र हो करके आया है उसमें जो अभी बहुत उसकी गणना तो नहीं कर पाए, लेकिन 200 से अधिक जो है जनसूचना अधिकारियों पर दंड अधिरूपित किए जा चुके हैं इस लापरवाही में कि उन्होंने समय से सूचना नहीं दी और आयोग के आदेशों का उन्होंने पूरी तरह से पालन नहीं किया। कुछ RTI एक्टिविस्ट भी समस्या बने हुए हैं? हाँ है? नहीं, हमारे अनुभव में आया गोरखपुर मंडल में जितने केसेस लंबित हैं उसमें 80% केसेस, ये दुख का विषय है हमारे लिए, ये चिंता का भी विषय है कि 80% केसेस केवल RTI एक्टिविस्ट के हैं। माना जा सकता है कि 80% जो RTI लगी है उसमें सभी जेन्युइन नहीं है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो RTI आदतन लगाते हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि विभाग को परेशान करने की उनकी नियत रहती है। लोकहित भी प्रभावित हो रहा होगा? और लोकहित, हाँ लोकहित प्रभावित होता है। जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए एक दिन में हमने 50 केस सुनने का तय किया तो उसमें कम से कम 30 से 35 केस 40 केस RTI एक्टिविस्ट के होते हैं। जब हम 40 केस केवल RTI एक्टिविस्ट के सुनेंगे जिनमें अधिसंघ RTI का लोकहित से बहुत संबंध नहीं रहता है तो बाकी शेष लोग प्रभावित तो होते ही हैं।